लहसुन की पत्तियां ऊपर साइड से सूख रही हैं, यह है किस कारण से हमारी लहसुन की क्रॉप की जो पत्तियां हैं लीफ हैं ऊपर साइड से टॉप साइड से क्यों सूख रही हैं, कारण भी जानेंगे और निवारण भी जानेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पत्तियां की जो सूखने के कारण बैक्टीरियल जनित जो बीमारियां होती हैं उनके कारण यह रोग फैलता है और पत्तियों पर दाग धब्बे आ रहे हैं, गलन की समस्या आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमको कौन से कॉम्बिनेशन को स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी लहसुन की फसल पर फंगस जनित बीमारियां और लहसुन की फसल पर स्पेशल जो पत्तियां ऊपर साइड से सूख रही हैं, तो इस वीडियो पर आपको पूरा निवारण मिलने वाला है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। लहसुन की फसल पर जो पत्तियां ऊपर साइड से सूख रही हैं यह कई कारणों से भी हो सकता है, या तो हाई टेम्परेचर्स हैं, इसके अलावा आपने कोई ऐसी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर लिया है या फिर कोई ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर लिया है जिनका हाई डोज था। लहसुन की फसल पर जो पत्तियां सूख रही हैं यह बैक्टीरियल जनित बीमारी है और कई प्रकार के फंगस का अटैक के कारण भी हमारी लहसुन की फसल पर पत्ते ऊपर से सूखने लगते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ मात्रा पर हमेशा याद रखना कि लहसुन की फसल पर जो टॉप साइड एकदम ऊपर का टॉप साइड जो सिरा होता है थोड़ा थोड़ा तो वो सूखता ही है, लेकिन यदि ज़्यादा या समस्या देखने के लिए मिल रही है लहसुन की फसल पर पत्तियां सूखने की तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि ज़रूरत से ज़्यादा पत्तियां सूख रही हैं तो लहसुन की जो फसल है प्लांट ठीक तरीके से भोजन नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो पौधा भोजन बनाता है पत्तियों से भी भोजन बनाता है, और यदि जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से नहीं चलेगी तब तक हमारा पौधा ठीक तरीके से विकास नहीं कर पाएगा, जड़ों का निर्माण और विकास नहीं हो पाएगा, जिससे कंद के आकार में वृद्धि ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो पत्तियां जरूरत से ज़्यादा सूख रही हैं तो उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना चाहिए। लहसुन की फसल पर पत्तियां सूखना बहुत ही बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन आता है, धान का एग्रीटेक की जो कॉनिका फंगीसाइड आती है 250 से 300 ग्राम और उसी के साथ मिक्स करना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 12 ग्राम 150 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके यदि आप अपनी लहसुन की फसल पर स्प्रे करेंगे तो आपको लहसुन की फसल पर जो पत्तियां सूखने का कारण आ रहा है उस पर आपको बहुत ही जल्दी निजात पा सकते हैं। लहसुन की पत्तियों को आप ठीक तरीके से स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर रहे हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको ज़रूर स्प्रे करना चाहिए, जो दवा होती है वह पत्तों पर ठीक तरीके से चिपक जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप किसान हित पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।